We are extremely sorry, Mrs. Amar Nath. Mr. Amar Nath, इनसे जो हुआ वो लापरवाही थी, कोई गुनाह नहीं था, तो हम कोई केस फाइल नहीं करेंगे। चलिए। Thank you so much, Amar Nath ji. Thank you so much. इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इसे ये बयान देने की जरूरत इसलिए थी ताकि पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर सके कि ये मिस्टर अमरनाथ की बीवी है। इसे ये बयान देने की जरूरत इसलिए थी ताकि आप सबके सामने कबूल कर सकें कि ये आपकी पत्नी है। ये सरासर गलत है। ये गलत नहीं है, पर पापा गलत आपसे हुआ है। इस झूठ को कबूल करने की क्या जरूरत थी आपको? अगर ये तुम्हारी तरह एहसान फरामोश होते तो ये वही करते जैसा तुम कह रही हो, लेकिन ये तुम्हारी तरह मतलब ही नहीं है। ये जानते हैं कि मेरी वजह से ये घर बिखरने से बचा है। मेरी वजह से ही आज तुम और सिद्धार्थ एक साथ हो, वरना तुम्हारे रिश्ते को दयाबेन कभी टिकने नहीं देती। एक मिनट, दयाबेन के सामने की बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन इन सबके सामने ये बताने की क्या जरूरत थी? तो आप क्या समझते हैं कि मैंने ये सब इन लोगों के सामने क्यों किया? क्योंकि जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया तब दयाबेन मेरे साथ थी। अब उनके सामने तो ये झूठ को कायम रखना ही था, वरना तो मैं आपका घर छोड़कर जा ही चुकी थी ना। मुझसे हमदर्दी के बजाय आप सब लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। प्लीज कनिका, ठीक है, हमें तुमसे हमदर्दी है। तुमने जो कहा, जो किया, जो कुछ भी हुआ, सब हो गया ना। अब तुम यहां से जा सकती हो। प्लीज लीव। कहां जाऊं? मेरा तो अब कोई ठौर ठिकाना भी नहीं बचा। इस सब का कोई हल निकालना पड़ेगा सिद्धू। तुम जाओ, लंदन जाने की तैयारी करो, फ्लाइट का वक्त करीब आया है, तुम जाओ। जब तक कनिका का ठौर ठिकाना यहां पर है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ, बहू, जाओ उसे समझाओ। सॉरी पापा, पर क्या समझाऊं सिद्धार्थ को? मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक कह रहा है। सिद्धार्थ, ये तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। डैड, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तमाम चीजें जो इस घर में हो रही हैं वो भी ठीक नहीं हो रही हैं। बाकी चीजों से मैं निपट लूंगा सिद्धार्थ। मैंने तुमसे जो कहा है वो करो, तुम लंदन के लिए रवाना हो जाओ। नहीं डैड, जब तक कनिका नाम की औरत इस घर में है, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। कनिका का जो मसला है उससे मैं निपट लूंगा। उसके रहने का बंदोबस्त मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में कर दूंगा। आपने सोचा और यहां से चली गई। डैड, ये मसला अब इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। सिद्धार्थ, अब तुम लंदन ना जाने के लिए बहाने मत बनाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं इस मसले से निपट लूंगा। डैड, कनिका पर आपका बस चला है कभी? शुरू से वो वही करती आई है जो उसने चाहा, और हम सब नाना करते भी उसकी मनमर्जी के सामने हमेशा बेबस रहे। सिद्धार्थ, ये उसकी मनमर्जी नहीं है बल्कि इस घर से उसकी हमदर्दी है। इस घर को तबाही से बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। हमने उसका एहसान भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसने इस घर को अपने बस में कर लिया है। डैड, आप बिल्कुल ठीक वैसे ही सोच रहे हैं जैसा वो चाहती है कि आप सोचें। आप कह रहे हैं कि हमें उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। मुझे अभी वो बातें याद हैं जो उसने सगाई वाले दिन मुझसे कही थी। तुम्हें नहीं लगता कि माया के आ जाने से तुम्हारे पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे? तुमने मुझे अपनी जिंदगी से भले ही निकाल दिया, लेकिन इस घर में आने से तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे। मैं कनिका सिद्धार्थनाथ नहीं बन सकी तो क्या? तुम मुझे कनिका अमरनाथ बनने से नहीं रोक सकते।
तुम्हारी बीवी बन के ना सही, तुम्हारी मां बन के तो मैं इस घर में आ सकती हूं। ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं डैड। कनिका कोई एहसान करने नहीं बल्कि इस इरादे से इस घर में आई है। फिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? डैड जो बहुत अपने होते हैं ना, हम उनसे भी कई बातें छिपाते हैं। हो सकता है कि आपने मेरी बेहतरी के लिए भी मुझसे कई बातें छिपाई हों, कई बातें मुझे ना बताई हों। क्यों डैड, ऐसा होता है ना? हाँ होता है। I bet तुम मेरे बारे में ही सोच रही हो। सिद्धार्थ मेरे बारे में सोच रहा है, अमरनाथ जी मेरे बारे में सोच रहे हैं, इस घर के सभी लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारी हंसी में मुझे तुम्हारा अंत सुनाई दे रहा है कनिका। अंत नहीं माया, ये तो शुरुआत है। तुमने सुना नहीं अमरनाथ जी ने पुलिस वालों से क्या कहा? कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। अब ये बयान तो पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गई है। इस बात से तो अमरनाथ जी भी इनकार नहीं कर सकते। अब तुम देखना मैं अपना पत्नी धर्म कैसे निभाती हूं। और तुम भी ये देखना कनिका कि धर्म अपना धर्म कैसे निभाता है। पाप को पुण्य की शक्ल देकर धार्मिक होने का ढोंग ज्यादा दिन तक नहीं चलता। हर लाल रंग की ये औकात नहीं होती सिंदूर कहलाने की। और फिर तुम तो ऐसा रंगो कनिका जो पहली बारिश में ही धुल जाएगा। शट अप बहू, तुम जब बोलती हो तो बोलती चली जाती हो। तुमने मेरी आवाज सुनी माया? किस हक से ये पूरे घर में गूंजी और पलटकर कोई एतराज भी नहीं आया। अब ये घर मेरा है माया। मुझे निकालने की हिम्मत अब खुद अमरनाथ जी भी नहीं कर सकते। ये घर मेरा है, अमरनाथ जी मेरे पति और तुम मेरी बहू। इस सत्य की रचना हो चुकी है माया। देखती हूँ कनिका कि ये असत्य कितने दिन तक टिकता है। तुमने वैसे ठीक कहा था, यहां मैं और वहां पापा और सिद्धार्थ तुम्हारे बारे में यही सोच रहे हैं कि तुम्हें इस घर से कैसे बेदखल किया जाए। इसलिए अपना सामान बांधे रखना। पता नहीं तुम्हें कब यहां से भेजा या फिर फेंका जाए। वो साड़ी निकाल कर रखना जो तुम मेरे और अमरनाथ जी की शादी पर पहनने वाली हो, क्योंकि ये बहुत जल्द होने वाला है और शादी का सबसे पहला कार्ड मैं तुम्हें ही लाकर दूंगी। वो औरत क्या कह रही है अमर? मीरा? वो कह रही है कि वो तुमसे शादी करेगी। पर मीरा तुमने यकीन कैसे कर लिया? क्योंकि मैंने ही तुमसे वादा लिया था अमर कि तुम दूसरी शादी कर लेना। याद है अमर? अमर मुझे मुझे वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी करोगे। हाँ याद है। तुम ऐसी औरत से हरगिज़ शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हें ऐसी औरत से शादी नहीं करने दूंगी। सुना तुमने अमर? मैं वो शादी नहीं होने दूंगी अमर। सुना तुमने अमर? नहीं करोगे तुम उससे शादी? हाँ मीरा, तुम निश्चिंत रहो, ये शादी हरगिज नहीं होगी। निश्चिंत हो गई मैं। तुमसे यही उम्मीद थी अमर।
माया क्या तरीका डैड से बात करने का? पहले ही मुझे बताया गया कि तुम अजीबोगरीब तरीके से डैड से बात करती हो। इस बर्ताव का मतलब? माया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। माया, माया क्या हो गया तुम्हें? माया, माया क्या हो गया था तुम्हें? क्या हुआ? तुम आज फिर बेहोश हो गई? क्या हो जाता है मुझे? क्या हो जाता है मुझे सिद्धार्थ? खैर, इसका इलाज तो किसी ना किसी डॉक्टर के पास जरूर होगा। लेकिन आज जो बर्ताव तुम डैड के साथ कर रही थी, उसका क्या मतलब है माया? पापा के साथ मैंने कैसा बर्ताव किया? क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? अब तब मैं तुमसे मिली था? माया, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। तुम डैड को तुम कहकर बुला रही थी और बकायदा उनका नाम भी ले रही थी। असंभव सिद्धार्थ, मैं पापा से ऐसे कभी बात नहीं कर सकती। ओह, इसका मतलब या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर मेरा दिमाग खराब हो गया है। और या फिर मुझे कुछ सुनना नहीं है। अमर, अब कहने लायक रह क्या गया है? कनिका का जो होगा सो होगा। मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने। जब से तुमने उन पुलिस वालों को कहा है कि डैड ने अगर ये सब कुछ नहीं किया होता ना, तो कनिका को गिरफ्तार कर अब तक जेल में बंद कर दिया गया होता। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय या मशवरा मांगा तो बड़ों के बीच में नहीं बोला जाता। उम्मीद है इतनी तमीज तुम्हें अमर ने सिखाई होगी। सिद्धार्थ, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। जा तो रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहकर जाऊंगा। कनिका की बहुत फिक्र है ना आपको, इसलिए एक बात समझ लीजिएगा। उसने जो कुछ भी किया, यह उसका बचपना नहीं, यह उसकी चालाकी है। वो अपनी चालाकी से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे दूध का धुला समझना, ऐसी गलती मत कीजिएगा आप। पहले तो आप सब उसे अपने मतलब के लिए किसी खेल में शामिल करते हो। मतलब निकल जाने के बाद उंगलियां उठाकर उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं। एक मिनट देवदत्त, एक मिनट। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मुझ पर ये अलग अलग इल्जाम लगाना बंद करोगे तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक दोस्त के नजरिए से मुझे देखोगे तो शायद हम एक दूसरे की जबान समझ पाएंगे। वरना इस तरह ये एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने से, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से असल बात एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी। बातों से कनिका की जिंदगी संवर पाएगी क्या? पूरा शहर जानता कि कनिका अमरनाथ की बीवी है। कनिका मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गया हूं तुम्हारी वजह से। तुम कह रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन जितना नुकसान तुमने मेरा किया किसने नहीं किया होगा। पूरी जिंदगी कनिका उसी रंगमंच पर बैठी रहेगी जहां उसने अमरनाथ की बीवी बनने का झूठा नाटक रचा था। कौन करेगा उससे शादी? कौन करेगा उससे शादी? अब मैं करूंगा उससे शादी। सिद्धार्थ, इस समस्या का हल निकल आया है। क्या हल निकला डैड? अमर कनिका से शादी कर रहे हैं। कह रहे अंकल आप? डैड, ये नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन निकाला आपने? आप कनिका के साथ शादी कर? अरे वाह, तो मेरी शादी मिस्टर अमरनाथ से हो रही है? हाँ कनिका, फैसला ये लिया गया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, लेकिन यहां नहीं, लंदन में। अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे भी मैं मिस्टर अमरनाथ की बात कैसे टाल सकती हूँ। कनिका, तुम लंदन जाने की तैयारी करो।
तुम्हें आज ही लंदन रवाना होना है, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूं। सिद्धार्थ तुम मेरे साथ चलो, कुछ तैयारियों मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सॉरी अंकल, मुझे मुझे आपकी इन तैयारियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिद्धार्थ आखिरी बार अपने पापा का कहा मान लो, जो कुछ भी हो रहा है इस घर की अच्छाई के लिए हो रहा है। ठीक है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। लंदन में शादी, हाँ रोमांटिक ना बहू? वैसे तुम अपने नासों को बहाने की और पोछने की प्रैक्टिस जारी रखो, बतौर तुम्हारी सास के मैं बहुत जल्द इस घर में आने वाली हूँ। मैं तुम्हें भी कहीं जाने नहीं दूंगी, हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूंगी, तुम्हें रुलाना जो है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। वैसे मैं अमरनाथ जी से बात करूंगी कि शादी में माया भी शरीक रहे, ताकि तुम्हारे इन आंसुओं से शादी में रौनक बनी रहे। बाय। मैं चलती हूँ। देवदत्त और सिद्धार्थ वहीं पे एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार करते हैं। अब कौन मिलता है कौन बिछड़ता है क्या फर्क पड़ता है, आप जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। हाँ लेकिन वहाँ एयरक्राफ्ट तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वो तो उड़ जाएगा अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंची तो। निकलो। ठीक है मैं चलती हूँ, जल्दी आइएगा। हाँ मुझे अगले हफ्ते ही शादी करनी है। हाँ शादी अगले हफ्ते ही होगी। माया शादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको पापा। शादी की मुबारकबाद तुमने कनिका को दी? नहीं। अरे कमाल है, इनफैक्ट शादी की मुबारकबाद तुमने कनिका को देनी चाहिए। मुबारकबाद आपको दूं या कनिका को, बात तो एक ही है ना? नहीं बात एक नहीं है मैडम, बात एक नहीं है, शादी कनिका की हो रही है मेरी नहीं।